बिग बॉस 2 के 10 सीक्रेट्स आपको पता नहीं होंगे भाई, इस बार काफी ज्यादा पैसा पे करा है। सलमान खान को OTT पे एक एपिसोड के 12.5 करोड़ दिए, मतलब एक हफ्ते में 25 करोड़। भाई लास्ट ईयर ये शो करण जौहर ने कहा था उनको 2 करोड़ दिए थे बस। सलमान खान ने फर्स्ट सीजन ज्वाइन ही नहीं किया क्योंकि उनको लगा थी काफी ज्यादा अनसेंसर्ड चीज है जिससे वो जुड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि भाई ऑफकोर्स फैमिली फ्रेंडली चीजें करते हैं बस, जैसे एक्शन वाली फिल्म है, रोमांस वाली फिल्म है, लव वाली फिल्म है और भाई में जोक मत मार। बट इस बार काफी ज्यादा लोग आए, जिया शंकर भाई, अभिषेक मनन अपने इंडस्ट्री के भाई फुकरा इंसान, साइरस ब्रोचा, बबीका ध्रुवी, फलक नास, मनीषा रानी, पलक पुरस्वानी, आकांक्षा पुरी, चाद हदीद, अविनाश सचदेव, आर्य सिद्दीकी और पुनीत सुपरस्टार सबसे लास्ट में, जिनको इस शो में आते ही निकाल दिया गया था। भाई जिस वजह से वो फेमस है बस वही चीजें उन्होंने घर में जाके कर दी, टूथपेस्ट मुंह पे लगा दिया, अलग ही चिल्लाना, ये सब भाई घर वालों को देख के डर गए, जिस वजह से बिग बॉस ने बोला। बट पुनीत जी को इस शो में आने के लिए बिग बॉस को काफी रोटी पेलनी पड़ी, सॉरी पापड़, पेलनी नहीं बेलनी। पुनीत जी का अलग ही फैन बेस है सोशल मीडिया पे, मतलब उनके पोस्ट बताऊं तो 25,000 पोस्ट है उनके इंस्टाग्राम पे, हमारे 61 है और जब तक आप देखोगे वीडियो 27 से भी 30,000 हो जाएंगे। भाई वो एक दिन में 10 वीडियो पोस्ट करते, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। इनका नाम सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा चल रहा था तो बिग बॉस ने बोला इनको तो लाना काफी ज्यादा जरूरी है, बट पुनीत जी ने बोला मुझे जुहू में प्रॉपर्टी चाहिए और एक प्राइवेट आइलैंड चाहिए। भाई बिग बॉस ने बोला ऐसा थोड़ी कि वेस्टर्न लाइन में घर देख रहे हो दिखा दूंगा, उन्होंने बोला नहीं ये तो नहीं कर सकते हम। बट जैसे वो दिल्ली एयरपोर्ट में गए, एयरपोर्ट में उनके सामने एग्रीमेंट रेडी था जिसमें भाई इतने करोड़ लिखे थे, उन्होंने बोला प्राइवेट आइलैंड छोड़ो हमको तो पैसे चाहिए, और इन्होंने ये शो ज्वाइन कर लिया। पर इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट के बाद फर्स्ट डे वो भाई सलमान खान ने इनडायरेक्टली बिग बॉस को सेव कर दिया। बेसिकली इनका फर्स्ट वाला सीजन था OTT का जो कि बहुत ज्यादा फ्लॉप हुआ था, इनको व्यूज भी नहीं आए क्योंकि हमने करण जौहर होस्ट करे थे, बट सेकंड पार्ट में पूरा चेंज कर सलमान खान को ला दिया क्योंकि इनका मेन रीजन में जो मैक्सिमम TRP है सलमान खान की वजह से आता है। अगर कंपेयर करा जाए तो बिग बॉस OTT के सिर्फ 2 से 3 मिलियन व्यूअर्स थे और वही नॉर्मल बिग बॉस के 127 मिलियन व्यूअर्स थे। ऑफकोर्स वो टीवी का है बोल के, बट स्टिल लास्ट ईयर हफ्ते में उनको 5 से 10 मिलियन व्यूअर्स आते थे हर एपिसोड में, बट इस बार उनको आराम से 45 मिलियन तक जा रहे हैं हफ्ते। भाई लास्ट ईयर का बिग बॉस OTT दिव्या अग्रवाल जी ने जीता था, इनको विनिंग प्राइस 25 लाख मिले थे। वैसे वीकेंड का बार आने वाला है, उसके लिए भाई फर्स्ट बार सलमान भाई देंगे, मैं तो एक्साइटेड हूँ भाई। मतलब सलमान भाई ने कपिल शर्मा शो भी बचाया और बिग बॉस भी बचाया, मतलब भाई भाई है, भाई को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। बट ये बिग बॉस सीरियल बनाया क्यों गया? बेसिकली बिग बॉस शो इंस्पायर्ड है बिग ब्रदर से और बिग ब्रदर इंस्पायर्ड है 1984 नॉवल से, जिसमें कैरेक्टर होता है बिग ब्रदर नाम का जो सिटीजन के ऊपर नजर रखता है और उनका काफी ज्यादा पॉपुलर फेस है जो आपने सुना होगा, बिग ब्रदर इज वॉचिंग, जो हिंदी बोलते हैं बिग बॉस सब देख रहे हैं। और यहीं से पूरा कॉन्सेप्ट आया और इनके डायरेक्टर ने सोचा कि क्या होगा अगर हम 10-15 लोगों को निगरानी के अंदर रख दे, और ये शो इतना फेमस होने लगा कि पूरे वर्ल्ड में फैलने लगा और इसका वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वर्जन बिग ब्रदर से ज्यादा बिग बॉस हो गया। उसका मोस्ट व्यूड सीजन 13 है। बट द नेशन वॉन्ट्स टू नो कि बिग बॉस ने भाई टीवी से बस नहीं था क्या, OTT पे क्यों स्टार्ट किया? भाई नॉर्मल वाला बिग बॉस काफी हद तक अपने बॉर्डर्स लाइन में रहता है, गंदी चीजें नहीं करता, कुछ ज्यादा गाली गलौज नहीं करता। OTT पे भाई इन्होंने बोला अनसेंसर्ड, गाली गलौज, फन, क्रेजी सब कुछ, ऐसा इन्होंने बोला है। टीवी वाला बिग बॉस 100 से 150 दिन का होता है, OTT वाला बिग बॉस लास्ट ईयर 43 एपिसोड्स थे, मतलब एक महीना चलता होगा, शायद इस बार भी शायद एक महीना फिर 2 महीना चले। बट टीवी वाला बिग बॉस तो बिग ब्रदर से कॉपीड था ही, ये वाला भी कॉपीड है और OTT का मतलब ओवर टॉप है। ये भी बिग ब्रदर का OTT वर्जन आया था 2016 में, उससे कॉपीड है। पर सभी यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर बिग बॉस क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? क्योंकि भाई लास्ट ईयर इन्होंने गलती कर दी थी, इन्होंने म्यूजिक, मूवीज, टीवी शोज इनके क्रेडिट उठा लेते, बट इन्होंने इस बार अलग कर दिया। इन्होंने बोला हम उठाएंगे सोशल मीडिया वाले जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे ये सब लोगों को उठाते, क्योंकि भाई इनसे व्यूज आते हैं ना। मेरे को भी उठाने आए थे भाई, बट मैं उस टाइम सिक्योरिटी गार्ड बन गया था ना। सलमान खान ने खुद ने रिकमेंड करे थे काफी ज्यादा कंटेस्टेंट, बोलते बेसिकली जब बिग बॉस पहले स्टार्ट होता सलमान खान बोलते भाई इनको घर में रखो, बट वो हर बार बोलते थे और बिग बॉस की टीम नहीं लेती थी उनको और अगली बार से रिकमेंड करने बंद कर दिया उन्होंने। सबको पता है सलमान खान ने सबके करियर बनाए। बट द नेशन वॉन्ट्स टू नो क्या ये 24 घंटे इस घर में रहते हैं, ये सबसे पूछ जाते हैं। बट सब लोग बोले थे नहीं रहते नहीं रहते नहीं रहते, बट सब लोग शो क्यों देख रहे क्योंकि 24 घंटे रहते ये क्या है। बट भाई इसका आंसर काफी अजीब है क्योंकि बिग बॉस के काफी कंटेस्टेंट जो निकले थे उन्होंने खुद ने बताया कि हां 24 घंटे होता है, बट 2-3 लोगों ने बोला कि नहीं होता, तो इसलिए भाई इस बार इन्होंने पूरे 24 आवर्स कैमरा लगा दिए जो आप जियो सिनेमा पे जाके खरीद सकते हो। देखा आपने जियो यहाँ भी आ गया, पैसे देके पूरा 24 आवर्स बिग बॉस का घर दे सकते हो, क्या हो रहा है क्या नहीं। उसके बाद अलग से एपिसोड्स भी आते हैं हर दिन 9 बजे, और ये जैसे ही बिग बॉस OTT खत्म होगा 1 से 2 महीने में नॉर्मल वाला बिग बॉस चालू होगा टीवी पे, जो कि इतना फेमस रहता है। पैसा ही पैसा छाप रहे हैं लोग, बट क्यों? क्योंकि भाई इनका बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है। भाई रिपोर्ट्स के हिसाब से इनके बिग बॉस के घर के एक दिन का बिजली का बिल 400 से 450 किलोवाट आता है।
सिंपल बताऊं तो इतना किलोवाट में दो गांव पे इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी। बट भाई ये किसी भी कंटेस्टेंट को अंदर लेने के पहले काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसके अंदर लिखा जाता है कि अगर आप बिग बॉस में आ रहे हो, किसी को बता दिया आपने, तो दिक्कत हो जाएगी। अगर बीच में आपने घर या फिर कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया, किसी को मार धार के शार्प हो जाए, मतलब मार लग जाए, खून आ जाए, फिर तो भाई आपका जिंदगी खत्म। 2 करोड़ पे करने पड़ेंगे ओनर को, 2 करोड़ भाई। बट सलमान भाई ने इस शो के लिए बोला है कि वो ट्राई करेंगे कि इस साल कुछ अनसेंसर्ड या फिर गलत चीजें ना हो, दैट इज द रीजन इन्होंने शो ज्वाइन किया है। सलमान भाई का हर एक स्टेप किसी को सुधारना या फिर किसी को अच्छी चीज पहुंचाना ही होता है। बट क्या सलमान भाई टेलीप्रॉम्प्टर यूज करते हैं? इतने बड़े बड़े डायलॉग जो है ना सलमान खान खुद बोलते हैं। आपने देखा होगा वो यहाँ फिरते रहते हैं, ऐसे वैसे ऐसे सो जाते हैं, अरे यहाँ पे मतलब सो जाते नीचे था कैमरा, ऐसे बात करते तो टेलीप्रॉम्प्टर दिखेगा ही नहीं। इसलिए उनके कान में एक ईयरफोन डाला जाता है, वहाँ से पॉइंट आता है कि करण को डांटो, तो भाई सलमान भाई उस पर डांट देते। फिर और कोई ऐसा एंकर नहीं होगा जो सलमान खान की तरह एंकरिंग कर पाए बिग बॉस की और लोगों को सिखा पाए, क्योंकि जो काम भी करते हैं खुद करते हैं। सिर्फ भाई टेंशन मत लो, बट अगर मेरे को बिग बॉस में जाने का बोलेगा ना तो मैं आपसे पूछ के जाऊंगा। बट भाई सिंपल भाषा में बिग बॉस से काफी गलत चीजें सीखी होगी हमने, बट एक चीज तो मैंने ध्यान लगा ली कि किसी भी मटेरियल चीज से दूर रहना आत्म की शांति का पहला स्टेप है।